इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अपने आप में ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए देखने को नहीं मिलती हैं कि इस वक्त कैमरा पर आपको पाकिस्तानी झंडा, भारत का जो कश्मीर है यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का झंडा, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी और POJK के जो लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए। और आपको यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर बर्तन साफ करते हुए। अब इतने क्लोज आपने कहा POJK को, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आप तक वो तस्वीरें पहुँचाई जाएं जो पहाड़ की तस्वीरें ना हो, जो सिर्फ एक लाइन ना दिखाती हूँ। इस वक्त आप POJK में किस तरह का लाइफस्टाइल है, लोग कैसे रहते हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको और डिटेल में मैं बताऊंगी। तो नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त मैं जहाँ हूँ, दरअसल पानी काफ़ी ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है और ये किसका पानी है, ये किशनगंगा का पानी है और हम जिसे किशनगंगा कहते हैं उसे पाकिस्तान नीलम कहता है और इसीलिए जो वो साइड है उसे पाकिस्तान नीलम वैली कहता है और मैं जहाँ हूँ हम इसे कहते हैं केरन सेक्टर। तो तस्वीरें आप देखिए और ये जो लाइफस्टाइल है, ना सिर्फ बातें बल्कि लोग भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं POJK की तो बात लोगों की भी होती है और बात ये भी होनी चाहिए कि ये जो ख़ास तौर पर केरन सेक्टर है, बीच में ये किशनगंगा रिवर और किशनगंगा रिवर के उधर जो कि ये LC की तरह काम करता है, तो आपको वहाँ पर पाकिस्तान का बड़ा सा फ्लैग दिखाई दे रहा होगा और उसके साथ ही ये जो रेड एंड माफ कीजिएगा येलो एंड ग्रीन स्ट्राइप्स जो है ये पाकिस्तान इसे कहता है आज़ाद कश्मीर, द सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जिसके संसाधनों का दोहन करता है पाकिस्तान, जहां हमने अभी मई के महीने में देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुए और जो POJK एक्टिविस्ट थे उन्हें जेलों में भरा गया, काफ़ी लोगों की जान भी गई, जो उसके बाद पुलिस की तौर से फौज की तरफ से जो कार्रवाई देखने को मिली। तो यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान इसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए वहाँ पर जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक बाकायदा जगह बनाई गई है और वहाँ आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, साथ ही कुछ कुछ पुरुष भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो पहले तो ये बताती हूँ, जो फ्लैग आप देख रहे हैं, भारत ने इस फ्लैग का, ये तो दो दो फ्लैग है लेकिन भारत ने एक ही फ्लैग के माध्यम से इसका जवाब दिया। तो पहले इस तस्वीर को आप ऐसे समझिए कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ केरन सेक्टर में। अब केरन सेक्टर कहाँ आता है, केरन सेक्टर आता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैं जहाँ हूँ ये दरअसल LC पर लास्ट पोस्ट ऑफिस है, उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जहाँ मैं बैठी हूँ ये भारत है, किशनगंगा LC है और उधर POJK है और POJK में पाकिस्तान ने क्या किया है, देखिए वो महिला, मैं काफ़ी देर से उन्हें देख रही हूँ, वो तब से अपने बर्तन साफ कर रही हैं, बहुत देर हो गई उनके बर्तन, लगातार बर्तन साफ करने का जो उनका काम है वो वहाँ पर चल रहा है। उसके आगे आप ज़रा सा इन घरों को देखिए कि किस तरह से ये जो घर है ये बनाए गए हैं। तो एक तरफ यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके घर हैं यानी स्थानीय लोगों के घर हैं, तो दूसरी तरफ आपको ये रेड एंड वाइट, रेड रूफ एंड वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल ये जो स्ट्रक्चर्स रेड रूफ एंड वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो ब्रिक वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये होटल के तौर पर पाकिस्तान ने इन्हें, इस एरिया को डेवलप किया, होटल्स बनाए। यहाँ पे मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप देखें तो पाकिस्तानी फ्लैग दिखाई देगा आपको, यहाँ पर जो POJK का फ्लैग है वो दिखाई देगा आपको, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का फ्लैग कहता है वो अलग स्टोरी है। उसके ऊपर देखिए आपको पाकिस्तानी पोस्ट दिखाई देगी, जो आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक ऊपर आपको एक ईंट और टिन का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा।
कैमरा उतना क्लोजली उसे कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको यहाँ पर उस जो ब्रिक स्ट्रक्चर है, ये जो ईट और टिन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक विंडो भी दिखाई देगी। तो वहाँ से जो पाकिस्तानी फौज है वो निगरानी करने का काम कर रही है। कैसे निगरानी करने का काम कर रही है? यहाँ ऐसा नहीं कि अकेले मैं हूँ, यहाँ पर ये केरन सेक्टर को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और मई जून के महीने में यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते भी हैं। अब आपको जरा सा और तस्वीरें भी दिखाती हूँ। तो एक तो रही ये पाकिस्तानी पोस्ट, इसके ऊपर जाइए थोड़ा सा, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो ट्री लाइन है, उस ट्री लाइन में आपको एक पाकिस्तान का फ्लैग दिखाई देगा, और फिर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसमें। अब एक और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ट्री लाइन में, दरअसल ये एक और पाकिस्तानी पोस्ट है। अब जरा रोड पे आ जाते हैं, तो ये जो रोड है आप देखिए, पक्का रोड है, क्योंकि शाम के समय जब मैं आई थी और मैं अभी की बात करूं तो लोगों की संख्या बढ़ी है। अगर आप देखेंगे उधर पीओजेके में तो लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर आप देखिए तो एक ये बोर्ड लगा रखा है, और बोर्ड पे लगा रखा है कि वेलकम टू नीलम टूरिस्ट विलेज, ये लिखा हुआ है उस बोर्ड पर। और उसके अलावा झंडा लगाया फिर पाकिस्तान का और पीओजेके का। और उसके बाद आप ये देखिए स्कूटर पे जो दो व्यक्ति हैं वो जा रहे हैं, बाइक पे सॉरी। उसके अलावा कुछ एक लोग आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, खड़े हुए हैं, करीब 4-5 लोग आपको वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे तो पिकअप ट्रक्स भी आपको दिखाई देंगे। अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे वहाँ पर आपको कुछ एक टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा है और एक कपल वहाँ पर दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक जो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये रोड दिखाई देगी, पक्का रोड आपको दिखाई दे रही है जो दूर तक जा रही है, आगे तक जा रही है। तो ये एक कोशिश है मेरी कि पीओजेके पर इतने डिस्कशंस होते हैं, पीओजेके पर इतनी बातें होती हैं, पीओजेके के बारे में आपसे बहुत कुछ बताया जाता है, आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये भीड़ है वहाँ पर, लाइफ कैसी है वो मैं आपको, अभी जब मैं आ रही थी तो ऐसा भी था कि जब इधर से लोग वेव कर रहे थे तो उधर से भी लोग वेव कर रहे थे। और दूरी सिर्फ इतनी है, भारत के संपूर्ण कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अखंड जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो दूरी सिर्फ इतनी है, यानी किशनगंगा रिवर आप देख रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अभी तो उसका पानी जो है पहले के मुकाबले कम हो रहा है, और विंटर्स में भी कम होगा। वैसे ये इतना क्लोज है कि इसे लेकर चिंता भी होती है। एक तो इस सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, और क्यों की जाती है वो आप इस तस्वीर को देखकर मुझे पूरा यकीन है समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश, साजिश जो है वो पाकिस्तानी फौज रचती है और आतंकी संगठन रचते हैं, क्योंकि यहाँ से भारत में आना उतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग की भी बात की जाती है, जो भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, पहुंचाया जाता है, तो तब भी ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान द्वारा इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि केरन सेक्टर जो है, जिसे अब एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जब विंटर आएगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो ये साइट बंद हो जाएगी। और यहाँ पर उतनी बर्फ़ तो नहीं गिरती, लेकिन हाँ बर्फ़ गिरती है। और यहाँ पर अगर टूरिस्ट सीज़न की बात की जाए तो मोस्टली मई के महीने से आप कह सकते हैं, मुझे बताया गया बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन अब जो है टूरिस्ट की जो संख्या है हाल फिलहाल में कम हुई है, ये मुझे बताया गया। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि जब ये भारत का है और पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा जमाए बैठा है, तो और वहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसकी कोशिश है वहाँ पे इंफ्रा डेवलप करने की, तो वो इंफ्रा डेवलप कर भी रहा है, तो ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि आप क्लोजली देखें, वहाँ एक महिला आपको दिखाई दे रही होंगी, वो अपना कुछ काम कर रही हैं, यहाँ एक महिला आपको दिखाई दे रही हैं, वो काफ़ी देर से बर्तन साफ कर रही हैं, वहाँ रोड पर देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, इकोलाइक कार्स वहाँ पर दौड़ रही हैं। तो ये पीओजेके में जो एक नॉर्मल इवनिंग होती है, शाम होती है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ देखें, वो एक महिला जो है वो घर के भीतर जा रही हैं,
मुर्गे आपको वहां पर घूमते हुए मुर्गियां आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ लगातार उनकी मूवमेंट हो रही है उस घर के अंदर। वो जो लोकल्स का घर है वो शायद घर के अंदर उन्होंने एक शॉप भी बनाई हुई है शायद, तो वहाँ पर मुर्गे मुर्गियों की मूवमेंट दिखाई दे रही है। इधर आप देखें तो रोड पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, बाइक पर लोग आ जा रहे हैं, लगातार लोगों की आवाजाही है, पिकअप ट्रक्स हैं वहाँ पर। तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी, और भारत के लिए भी ये एक चैलेंजिंग एक तरीके से कहा जाना चाहिए, जब इतना क्लोज आप हो एक ऐसे एनिमी से जो आपका पड़ोसी भी है, लेकिन साथ ही आपको आपके लिए रोज़ चैलेंजेस और ख़तरे पैदा करता हो। तो केरन सेक्टर में एक्चुअली जुलाई के महीने में ऑपरेशंस भी किए गए थे और आतंकियों का खात्मा भी किया गया था। तो ये सेक्टर, इस तस्वीर को देखकर आप समझे होंगे कि क्यों पाकिस्तान द्वारा इस सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है आतंकियों की घुसपैठ के लिए। तो इस वक्त केरन सेक्टर से मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें POJK की दिखा रही हूँ, आप देखिए। हम अब एक और पॉइंट पर आए और वहाँ से देखिए आप और ज़्यादा क्लोजली इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। अगर आप वहाँ पर देखें जो वाइट कलर का पेंट किया गया है रोड पर, उस पर पाकिस्तान को लिखना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तान हूँ और मैं जिंदाबाद हूँ, तो ये वहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा वहाँ पर अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लिखे गए हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। ये पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया है, कहाँ पर, जहाँ पर उसने कब्जा जमा रखा है। तो पता नहीं किसे एश्योरेंस देने की कोशिश यहाँ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अब जरा यहाँ पर देखिए जो होटल्स, और अगर आप देखें वहाँ पर जो वो टूरिस्ट स्पॉट है, कई सारी महिलाएं आपको वहाँ पर दिखाई देंगी, वहाँ आपको गाड़ियों की लाइन भी दिखाई देगी और साथ ही जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। तो इसे पाकिस्तान ने नाम दिया है अपर नीलम विलेज, और यहाँ पर होटल्स बनाए हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं। जैसे आप इसको देखें अगर, तो इस पर लिखा है नीलम चिनार रिजॉर्ट केरन। इसके अलावा अगर आप उधर देखेंगे तो उधर लिखा है द ग्रैंड हिल्स रिजॉर्ट केरन। तो इस तरह से छोटे छोटे होटल्स जो हैं वो बनाए हैं, और जो रोड है उसे यहाँ पर डेवलप किया गया है। आगे भी रोड जाती है, ऊपर की तरफ भी रोड जाती है, और नीचे की तरफ भी आपको रोड दिखाई दे रही है। अगर आप इस साइड पर देखें इस साइड भी, और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे और उधर की तरफ आगे जाएंगे तो आपको उधर भी ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो सीधे तौर पर दिखाई देगी। थोड़ा सा आप पहाड़ के ऊपर भी देखें तो किस तरह से वहाँ पर घर बने हुए हैं। आप देखिए ज़रा सामने पहाड़ के टॉप पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब देखिए एक बस आपको दिखाई दे रही होगी, सड़क पर आप देखेंगे तो एक बस आपको दिखाई दे रही होगी, ब्लैक कलर की ये बस जिस पर वो यहाँ दिख रहा होगा, इसमें लोग सवार हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग आते हैं यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए, पाकिस्तान ने इसे एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जो है वो डेवलप किया है। देखिए अब ये बस जो है, जो पहले थोड़ा दूर दिखाई दे रही थी, अब आपको ज़्यादा करीब दिखाई दे रही होगी। तो जैसे जैसे शाम होती जाती है यहाँ पर मुझे बताया गया कि जो टूरिस्ट की मूवमेंट है वो बढ़ती है, वो तेज़ हो जाती है, और आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए एक समझने वाली बात, पाकिस्तान की सोच का एक बड़ा प्रमाण क्या है वो आप यहाँ पर ऐसे देखिए कि ये यहाँ पर रिजॉर्ट बनाए और उसका जो गंदा पानी है उसका क्या किया, उसका निष्कासन कहाँ किया, उसकी ड्रेनेज कहाँ की, सीधा कृष्ण गंगा रिवर में। आप देखिए तो डेवलपमेंट के नाम पर जो गंद मचाने का काम है, जो गंदगी फैलाने का काम है, उसी की एक साक्षात तस्वीर, एक साक्षात प्रमाण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्यों डेवलपमेंट को लेकर सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स नहीं है, डेवलपमेंट एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो इस एक तस्वीर के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट तेज़ हो रही है,
लगातार आवाजाही जो है लोगों की वो यहाँ पर तेज हो रही है। वहां पर आप लोगों को देखिए, अब उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर कोई वीडियो बना रहा है, तो उनका भी इंटरेस्ट जो है वो हमारी तरफ है और सब ज्यादातर लोग जो है वो हमारी तरफ ही इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं और वो भी जानने समझने की यहाँ कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है। तो एक शख्स है वहाँ पर जो फोन पर बात कर रहे हैं, वो फोन पर आपको दिखाई देंगे, और जो कुछ महिलाएं आपको वहाँ पर दिखाई देंगी कॉर्नर में। इसके अलावा आपको हर जगह पाकिस्तानी फ्लैग्स दिखाई देंगे और आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं जो लोकल्स हैं उनकी लाइफ में, उनके पहनने ओढ़ने में, उनकी जो दिनचर्या है उसमें, और पाकिस्तान कैसे बार बार एक मैसेजिंग देने की कोशिश करता है यहाँ पर भी कि वो POJK में है। वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे कश्मीर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश, उरी में कहता है कि उरी में बाकायदा फ्लैक्स पर लिखा है कि कश्मीर जो है वो हमारी जगुलर वेन है, यहाँ पर कहता है कि जो कश्मीर है वो सारा का सारा उसका है। तो ये सारे उसके वो ढकोसले हैं जिनके माध्यम से जो कश्मीरी हैं उधर उन्हें एश्योर करने की या उन्हें बरगलाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा वहाँ पर की जाती है। पता कौन सा हाय, तो हम इस वक्त केरन सेक्टर से कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। उधर कुछ पाकिस्तानी जो कभी वेव करते हैं, उधर से कुछ चिल्लाते हैं और साइन वो देखिए, उधर से वो सलाम कर रहे हैं आप इस वक्त और हाथ से इशारा कर रहे हैं। और आपको ऊपर देखिए, यहाँ से देखिए वो वेव करके गए, और इधर देखिए आपको हमने दिखाया बकरवाल्स जम्मू कश्मीर में बहुत दिखाई देते हैं, तो उस साइड में देखिए आपको बकरवाल भेड़ों को लेकर जाते हुए आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर बकरवाल की मूवमेंट है, जैसे जैसे सर्दी आती है तो ये माउंटेन से नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे आते हैं। तो वो तस्वीर आप इस वक्त मेरे कैमरा के माध्यम से देख रहे होंगे उधर की, और ऊपर से देखिए आप जो मिनी बस है वो रोड से नीचे आ रही है। तो ये POJK की जो रोज़मर्रा की तस्वीरें हैं, जो जिसके बारे में हम इतना क्लोजली कभी देखते नहीं हैं, ना इतना क्लोजली कभी ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, तो यहाँ केरन सेक्टर से मैं खुद भी देख पा रही हूँ और कैमरा के माध्यम से आपको भी दिखा रही हूँ कि एक तरफ देखिए बकरवाल का मूवमेंट वहाँ पर है, दूसरी तरफ लोगों की आवाजाही है, और दूसरी साइड लोग दूसरी साइड से वेव करते हैं साइंस के माध्यम से, हैंड मूवमेंट के माध्यम से अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। और उधर आप देखेंगे तो देखिए साफ़ सफाई इस वक्त चल रही है, तो वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम चल रहा है। एकदम सामने आप देखेंगे ट्रक के पीछे अगर आप देखें तो एक व्यक्ति जो है ट्रक पर, इनफैक्ट व्यक्ति जो है वो साफ सफाई कर रहा है। तो ये इतनी क्लोज तस्वीरें, इतनी रोज़मर्रा की तस्वीरें अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं, इसीलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए। भेड़े दिखने की एक्सक्लूसिव तस्वीर है POJK की, पाकिस्तान कैसे कश्मीर को क्लेम करता है। ये एक और तस्वीर है, इसमें आप देखिए तो ऊपर लिखा है कश्मीर और लिखा हुआ है नीचे पाकिस्तान। यहाँ पर सोच वही है, हर जगह पाकिस्तान अपनी एक तरफ क्लेम करता है कि उसने यहाँ पर सारे हुकूक अधिकार दिए हुए हैं, राइट्स दिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से चूकता नहीं है। हर जगह आपको पाकिस्तान पाकिस्तान छपा हुआ दिखाया मैंने कि किस तरह से सड़कों पर, होटल्स पर, हर जगह अपना झंडा चिपका रखा है। आपको अपने झंडे की क्या ज़रूरत है, अगर आप किसी टेरिटरी को आज़ाद क्लेम करते हैं तो आपको अपने झंडे की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वी लव नीलम। तो यहाँ पर आपके लिए देखना ये एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो झंडे लगाए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के इन दो झंडों का जवाब भारत ने कैसे दिया है, चलिए वो आपको दिखाती हूँ। क्योंकि POJK की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लोग भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मस्ती करते हुए, और दूसरी तरफ आपको वी लव नीलम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा।
पाकिस्तान नीलम वैली कहता है इसे, और वहाँ लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़, थोड़ी देर पहले लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे थे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे और अभी भी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। उधर आपको दिखाई देगा एक बच्चा अब गेंद फेंकते हुए, और बैट्समैन भी वहाँ पर उसके सामने खड़ा है। और क्रिकेट और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात जब की जाती है तो एक ऐसी राइवलरी है क्रिकेट में भी जो कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एक तो ये तस्वीर क्रिकेट, आप देखिए ज़रा, अब गेंद डाली जा रही है वहाँ पर और बैट्समैन ने एक शॉट खेल दिया है और बॉल आकर सीधे कृष्ण गंगा रिवर में गिर गई है। तो कृष्ण गंगा रिवर में गिरने के बाद अब कौन गेंद को निकालेगा, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होगा। तो ये तस्वीर POJK की। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, अब आप आ जाइए भारत की तरफ, और भारत में जो लास्ट पोस्ट ऑफिस है, या आप कह सकते हैं अगर आप भारत के नज़रिए से देखें, भारत की तरफ से आ रहे हैं तो लास्ट, और अगर आप यहाँ खड़े हों और भारत के अंदरूनी भारत के भीतर की तरफ बढ़ रहे हो मस्तक से तो फर्स्ट, तो ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है और साथ ही लिखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल केरल। तो ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल केरल पर, और यहाँ से देखिए आपको और समझाती हूँ कि किस तरह से शारदा पीठ जो है वो 27 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फराबाद 245 किलोमीटर दूर है, अबोटाबाद 279 जहाँ लादिन को US ने मारा था, मुरी जो है वो 308 किलोमीटर, इस्लामाबाद 407, रावलपिंडी 408, पेशावर 474, और लाहौर है यहाँ से 740 किलोमीटर दूर। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, ये हमारी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ दूरी, और साथ ही दूसरी तरफ क्रिकेट के लिए वही खुमारी, वही जोश जो कि हमारे यहाँ देखा जाता है। और गेंद जाकर क्योंकि गिर गई किशन गंगा रिवर में, तो इस समय वहाँ पर जो मुकाबला चल रहा था, ये देखिए अब गेंद वापस निकाल ली गई और अब जो गेम है इसे दोबारा से रिज्यूम यहाँ पर, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग ये मैच खेल रहे हैं क्रिकेट का, वो इस समय करने वाले हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के झंडे का जवाब भारत ने कैसे दिया है। अब आप इधर आपको इंडियन ट्राइकलर दिखाई देगा पूरी आन बान शान के साथ, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कश्मीर रूहे हिंद, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेजिंग थी POJK में वो थी कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। तो भारत ने जवाब दिया कश्मीर रूहे हिंद, यानी भारत की आत्मा कश्मीर है। ये ट्राइकलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि कैसे यहाँ पर ये जो 72 फीट हाई भारत का फ्लैग है, दरअसल इसमें अप्रिशिएट किया गया है मिस्टर नज़ाकत खान को, और ये कहा गया है कि उनकी जो देशभक्ति की भावना है, एक्चुअली जो लोगों की, केरन के लोगों की देशभक्ति की भावना है, उसे अप्रिशिएट यहाँ पर किया गया है। अब आप ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो हिस्ट्री है केरन की उसके बारे में बताती हूँ। ये कहा जाता है कि राज और उनके द्वारा आई साइट के लिए एक खास तरह के झरने की तलाश थी, और फिर जो उनका मंत्री था या जो उनके वजीर थे वो स्ट्रीम, वो झरदा में मिला, यानी शारदा जो कि अब आप जानते हैं। अल्टीट्यूड पर हम इस वक्त यहाँ पर हैं और POJK की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चलिए स्पेशल तस्वीरें थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप, मैं हमेशा एक ही वो है कैप्टन, शहीद कैप्टन बत्रा की, और वो लाइन है ये दिल मांगे मोर, जय हिंद जय भारत।